वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो असुर की सीजन फर्स्ट की सीरीज चल रही है, क्योंकि हाल ही में असुर का सीजन 2 रिलीज हो गया है। अगर अब तक भी आपने इसके सारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है अपनी यादों को ताजा करने के लिए, तो गाइस सीजन 2 को समझने के लिए आपको एक बार सीजन फर्स्ट का रिकैप जरूर देख लेना चाहिए। यह एपिसोड कई सारे सवालों का जवाब देने वाला है कि आखिर असुर कौन था, यानी कि शुभ जो कि एक लड़का था उसके साथ में क्या हुआ था, उसके बाद में वो कहां पहुंचा, आखिर वो सबका मर्डर क्यों कर रहा है, क्या निखिल उस जगह से बाहर निकल पाएगा और क्या धनंजय शुभ को रोक पाएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम इस एपिसोड के अंदर असुर की गुत्थी सुलझा ही देंगे। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि कैसे निखिल के पास में धनंजय राजपूत को मारने के लिए नया असाइनमेंट आया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में इस सीजन का आखिरी एपिसोड यानी कि 8th की शुरुआत होती है। कहानी एक बार फिर से 10 साल पीछे वाराणसी के घाट पर शिफ्ट हो जाती है। निखिल को ये बात पता चल गई थी कि धनंजय ने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, जिसके कारण शुभ जो कि एक नाबालिग बच्चा था उसे अडल्ट की जेल में डाला गया है। निखिल धनंजय से कहता है कि मैंने आपसे इतनी सारी चीजें सीखी है, मैं आपको आज तक भी एक आइडल मानता हूँ, मैं आपकी हर बात समझता हूँ, तो आखिर आपने ये काम क्यों किया। धनंजय कहता है कि उस लड़के ने अपने बाप को मारा है, सबूत मिटाने के लिए लोटे को पानी के अंदर डाल दिया ताकि कोई भी उसे पकड़ ही ना पाए। निखिल कहता है कि उस बच्चे की उम्र ही क्या है। धनंजय राजपूत कहता है कि अपने बाप को मारने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ये बात उसे मारने से पहले समझनी चाहिए थी। निखिल का कहना था कि ठीक है आपने उसे सजा दी, लेकिन उसे एटलीस्ट सही सजा तो देते, वो बाल गृह में जाने वाला बच्चा था, हो सकता है कि वो बाल गृह में जाके सुधर भी सकता था, लेकिन जेल में जाने के बाद तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था, आखिर आपने उसका पूरा का पूरा बर्थ सर्टिफिकेट ही नकली बनवा दिया। निखिल कहता है कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनने वाला हूँ, मैं आपके साथ ये काम कभी भी नहीं करूँगा। धनंजय को भी उस लड़के के ऊपर गुस्सा आ रखा था, क्योंकि वो कहता है कि उस लड़के ने गलती करी है और उसको समझना जरूरी है इस बात को। आज अगर जो भी हो रहा है उसके साथ में, कल उसकी लाइफ ठीक हो जाएगी, मैंने सब कुछ इसी के लिए किया है। निखिल कहता है कि शायद चीजें बिगड़ भी सकती है, मैं इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। धनंजय को उस समय निखिल की ये बात समझ में नहीं आती है और वो निखिल को यहाँ से जाने देता है। यही वो वक्त था जब निखिल और धनंजय के बीच में आर्गुमेंट बढ़ा था और निखिल इसी केस के कारण आउट ऑफ इंडिया चला गया था 10 साल तक, जिसके बाद कहानी आज वापस से प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाती है। अब हमें अभी भी यही दिखाया जाता है कि निखिल को सभी लोग मिलकर ढूंढ रहे थे, वहीं निखिल जेल के अंदर बैठा बैठा धनंजय को मारने की प्लानिंग बना चुका था कि आखिर वो धनंजय को कैसे मार सकता है, साथ ही में वो खुद कैसे बाहर निकल सकता है, वो भी इसी बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ शशांक को पता चल गया था कि धनंजय ने खुद का नाम उसी लिस्ट के अंदर डलवा दिया है, इसी के कारण वो धनंजय को कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करी। धनंजय कहता है कि वो मुझे मार ही नहीं पाएगा, आखिर मैं खुद जेल के अंदर हूँ और इतनी सारी सिक्योरिटी भी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी शशांक धनंजय के लिए दो टीम्स और खड़ी कर देता है। दूसरी तरफ नुसरत और बाकी की सारी टीम उन लोगों को कॉल कर रहे हैं जिनका नाम अब तक सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर था, और हो सकता है कि बाकी के जो लोग हैं उनमें से भी कोई ना कोई मिसिंग हो। यहाँ जब किलर निखिल को कॉल करके पूछता है कि आखिर तुमने धनंजय को मारने के बारे में क्या सोचा है, तो निखिल कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सोच लिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो किलर कहता है कि इसके लिए मैं क्यों जेल जाऊंगा, तो निखिल कहता है कि अगर तुम्हें धनंजय को मारना होगा तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि धनंजय इस समय वहीं है, और वो किलर को समझा देता है कि आखिर उसे जेल में जाके करना क्या है। दूसरी तरफ हम धनंजय को देखते हैं जो कि जेल के अंदर बैठ के ही किलर के आने का यानी कि शुभ के आने का वेट कर रहा था कि आखिर वो कब उसके पास आएगा और कब ये सारा खून खराबा रोक पाएगा धनंजय। अब तक दुबे को भी केसर पे काफी ज्यादा डाउट हो चुका था, इसी के कारण वो भी उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एक साथ में दो नहीं बल्कि तीन लोग मिसिंग हुए हैं और इन सब के कोऑर्डिनेट्स किसी को पता ही नहीं चले हैं। जो भी तीन लोग गायब हुए हैं वो तीनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर उन लोगों के किडनैप होने के बारे में बाहर पता चल गया तो हर जगह दंगे हो जाएंगे, जिसके बाद सीन एक कैबिनेट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब तक यहाँ पे तीन लोग थे जो कि पहले बेहोश थे, लेकिन एक एक करके एक दूसरे को उठा देते हैं। घड़ी के अंदर 12 घंटे बजे थे, यहाँ एक स्टॉप वॉच चल रही थी जिसके अंदर तकरीबन 12 घंटे ही बचे थे। साथ ही में किलर के पीछे से आवाज भी आने लगती है कि आप लोगों के पास में 12 घंटे बचे हैं, आज पूरी दुनिया देखेगी कि आखिर हर एक इंसान के अंदर कैसे असुर होता है। आप लोगों के पास सिर्फ 12 घंटे तक जीने की ऑक्सीजन है, जिसके बाद में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और अब आप लोगों को आपस में ये बात तय करनी होगी कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। अगर आप लोगों में से कम कैंडिडेट होंगे तो ऑक्सीजन उतनी ज्यादा ही चलेगी और आप लोगों में से कोई एक इंसान ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। इन तीनों को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर ये तीनों यहाँ पे कैसे पहुँच गए। इसी के साथ हम निखिल को देखते हैं जिसके दिमाग में कुछ न कुछ तो खुराफात चल रही थी। वो एक पेंसिल लेके आता है और खुद के नाक के अंदर बहुत जोर से डालता है, जिससे कि उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है। सेम टाइम पे हम किलर को भी देखते हैं जो कि एक फुटबॉल के अंदर कोई ना कोई तो मटेरियल डाल रहा था। इसी के साथ नैना भी अपने काम पे लगी हुई थी और दूसरी तरफ दुबे केसर के घर पे पहुंच चुका था, लेकिन अब तक 24 घंटे के ऊपर हो चुके थे जब केसर के घर पे कोई भी नहीं आया था। जब यहाँ पे उसके रिकॉर्डिंग रूम को चेक किया जाता है जिसके अंदर फुटेजेस रखी थी या फिर हम कह सकते हैं सीपीयू पड़ा था, उसके अंदर से हार्ड डिस्क गायब कर दी गई थी, यानी कि कोई भी चीज इन्हें मिल ही नहीं सकती है। दुबे पूछता है कि फोन की लोकेशन चेक करो, तो रसूल बताता है कि फोन की लोकेशन तो पहले ही बंद कर दी गई थी, सिम कार्ड आखिरी लोकेशन के बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और आखिरी लोकेशन घर की ही है। नैना को एक बात और पता चलती है कि केसर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे फेक है। 2008 से पहले उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी,
बल्कि उसके कोई फैमिली मेंबर के बारे में भी कुछ नहीं पता। उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, साथ ही में जितने भी आइडेंटिटी प्रूफ है, वो सारे के सारे नकली है। उसके नाम से तो कोई एग्जिस्ट भी नहीं करता है। जब उसका पहला पॉडकास्ट आया था, ये वही समय था जब जेल के अंदर पहली बार आग लगी थी। इसका मतलब था कि वो जरूर शुभ तो नहीं हो सकता। तो आखिर ये है कौन? वो नैना से पूछता है कि तुमने जो कैसेट ली थी, क्या तुम्हें उसका ओरिजिन मिला? लेकिन नैना को अब तक भी वो नहीं मिला था। इसी के साथ सीन यहाँ पे निखिल के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि जमीन के ऊपर गिरा हुआ था और उसके नाक में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। इसी के कारण किलर उसे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि ये क्या हुआ तुम्हें? तो निखिल बताता है कि कुछ नहीं, बस टेंशन के अंदर मुझे नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किलर अपने हाथ में एक पानी के ग्लास लेके आया था, जो कि निखिल के पास ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और निखिल को यही चीज चाहिए थी, पानी से भरा हुआ एक ग्लास जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगे हो। अब जैसा कि निखिल ने बताया था, वैसा ही किलर करता है और इसी के कारण वो जेल के अंदर पहुंच जाता है। सीन जिसके बाद उस कैबिनेट के अंदर शिफ्ट होता है, जो कि आपस के अंदर ही लड़ने लगे थे कि मैं तुम्हारे कारण पहुंचा हूं। दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारे कारण पहुंचा हूं। तभी लड़की कहती है कि यहां पे कोई टीवी का डिबेट नहीं चल रहा है, जो हम आपस के अंदर लड़ रहे हैं। जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी। हमारे पास पहले ही बहुत कम टाइम बचा है, तो अच्छा ये होगा कि हम सब अपनी अपनी ऑक्सीजन को बचाएं। जिसके बाद सीन जेल के अंदर शिफ्ट होता है। किलर इस समय एक कैदी बनके जेल के अंदर फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल को वो जेल से बाहर फेंक देता है। इतनी ही देर में एक आदमी आके फुटबॉल को चेंज कर देता है। जो फुटबॉल वापस से अंदर आती है, उस फुटबॉल के अंदर कोई मटेरियल था। जिसके बाद सीन धनंजय के ऊपर शिफ्ट होता है। वो नैना को चेक करने के लिए कहता है कि आखिर मुझे कोई ना कोई चीज तो याद आनी चाहिए जो कि केसर से रिलेटेड है। तभी उसे याद आता है कि केसर अपने हाथ के अंदर एक वॉच पहनता है, क्या तुम उस वॉच को चेक कर सकती हो? नैना को पता चलता है कि ऐसी वॉच दिल्ली के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों है। तब निखिल एक डेट बताता है कि 25 तारीख के आसपास शाम को 6:30 बजे जेल के आसपास कितनी वॉचेस थी। और आखिर नैना उस बात को क्रैक कर लेती है कि ये वॉच सिंगल एक ही है और अब तो उसका लोकेशन भी पता चल चुका था। यानी कि धनंजय ने वो लोकेशन दुबे को भेज दी थी। उस लोकेशन के अकॉर्डिंग दुबे अपनी टीम को लेकर केसर तक पहुंच गया था। और केसर बोलता है कि तुम लोगों ने तो बड़ी देरी कर दी आने में, मुझे तो लगा था बहुत जल्दी पकड़ लोगे। अब तक केसर को पकड़ के ये लोग अपने साथ लेके जा चुके थे, लेकिन अब तक भी निखिल के बारे में कुछ पता नहीं चला था। निखिल के बारे में कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले थे, इसी के कारण दुबे वहां पे अकेले जाने लगता है। तो धनंजय उसे मना कर देता है और कहता है कि अपने साथ में किसी न किसी को लेके जाओ। तो वो अपने साथ में रसूल को लेके जाता है। उसे पहले तो लगता है कि रसूल उसके कोई मदद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रसूल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जरूर मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद कर सकता हूं। जिसके बाद सीन निखिल के ऊपर शिफ्ट होता है। अब जैसा कि हमें स्टार्टिंग से बताया गया है कि निखिल एक बहुत ही स्मार्ट फॉरेंसिक साइंटिस्ट था, तो उसके पास में जो दवाई रखी थी वो एक बुक के अंदर रख के उसे तोड़ने लगता है, जिससे कि एक पाउडर बन जाए। उस पाउडर को और ज्यादा फाइन करने के लिए वो उस बुक को काफी जोर से दबाता है, जिसके बाद वो उस पाउडर को ग्लास के ऊपर फूंक देता है। अब उसे एक टेप की जरूरत थी, टेप तो उसे इस कमरे के अंदर मिल नहीं सकती, तो बुक के ऊपर जो एक पन्नी लगी हुई होती है, उस पन्नी को उतार के वो ग्लास पे लगा देता है, जिससे कि उसे किलर के आराम से फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। अब निखिल उस दरवाजे के पास चला जाता है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी के नंबर्स लगाने जरूरी थे। वो पहले सिक्योरिटी के नंबर्स को अच्छी तरीके से याद करके एंटर कर देता है। वो नंबर तो आवाज की मदद से उसने बिल्कुल सही एंटर कर लिए थे। वो आखिर के अंदर उस पन्नी के ऊपर लगे हुए थंबप्रिंट से प्रेस करता है और दरवाजा सच में खुल जाता है। जिसके बाद सीन जेल के अंदर शिफ्ट होता है और किलर उस बॉल को खोलता है। तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो ब्लास्ट करने वाला मटेरियल है, यानी कि किलर इस जेल के अंदर धनंजय को मारने के लिए कई सारी प्लानिंग्स कर चुका है। दूसरी तरफ निखिल जब उस कमरे से निकल के बाहर आता है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है इतना बड़ा सेटअप देख के कि कैसे किलर हर एक चीज के ऊपर नजर रख रहा था। वो अपने आसपास कोई वॉकी टॉकी या फोन ढूंढता है, लेकिन निखिल को कुछ भी नहीं मिलता। साथ ही निखिल को पता चलता है कि एक कमरे के अंदर 3 लोग बंद है, जिनके पास मात्र 4.5 घंटे बचे हैं। हमें पता चलता है कि वो 3 लोग जिनके पास में सिर्फ 4.5 घंटे बचे हैं, वो एक दूसरे को कोई ना कोई ब्लेम करने ही लगते हैं। साथ ही में इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात भी आती है कि क्यों ना हम एक दूसरे को मार दें। तब इनमें से एक आदमी बताता है कि ये सब कुछ एक चाल है हम तीनों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए, ताकि लोग देख सके कि हम लोग किस तरीके से जीने के लिए आपस में एक दूसरे को मार चुके हैं। लेकिन एक दूसरे को मारने की बजाय बस दरवाजे को पीटने लगते हैं। तभी 4 घंटे एकदम से कम होके 3.5 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे और आखिर के अंदर 1.5 घंटे बचते हैं। यानी कि इनके पास सिर्फ अब 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। आखिर के अंदर निखिल उस जगह से बाहर निकल जाता है और रोड पे उसे एक गाड़ी भी मिल जाती है, जिससे कि वो लिफ्ट मांग लेता है। सीन जिसके बाद में दुबे पे शिफ्ट होता है, जो कि रसूल के साथ में निखिल के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जा रहा था। जब दुबे रसूल के साथ में केसर के घर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसी समय दुबे को पता चला था कि रसूल का आधा हाथ जला हुआ है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। रसूल 2 साल से यहाँ काम कर रहा है, लेकिन रसूल की फैमिली के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। इसी के कारण दुबे रसूल से एक एक चीज पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम कौन से कॉलेज से पढ़े हो, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, कॉलेज का कौन सा बैच है। लेकिन रसूल एक एक चीज का बहुत अच्छे से आंसर देता है। दुबे को अभी भी डाउट हो रहा था, इसी के कारण वो रसूल को कहता है कि अपने किसी 3 दोस्त का नाम बताओ और उनमें से किसी एक को कॉल लगा दो। रसूल कहता है कि आप मुझ पे आखिर शक क्यों कर रहे हैं? तो दुबे कहता है कि हम लोग तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। रसूल कहता है कि मैंने अपना एक एक आइडेंटिटी प्रूफ जमा करा रखा है, आप जाके उन्हें चेक कर लीजिए। दुबे कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अपने एक दोस्त को कॉल लगा और मेरी बात करा। रसूल एक जन को कॉल लगा भी देता है और दुबे की उससे बात भी करा देता है, जिसके बाद दुबे को लगता है कि रसूल एक सच्चा आदमी ही है और शायद उसके दिमाग में बस ऐसे ही केस के कारण उलझल बातें चल रही है। वो रसूल से माफी मांगता है और कहता है कि बस मुझे ऐसे थोड़ा बहुत
भ्रम हुआ, इसी के कारण मैंने ऐसा किया, मुझे माफ कर दे भाई। दूसरी तरफ हम निखिल को देखते हैं जो कि भागता भागता एक दुकान तक पहुंच गया था। दुकान के अंदर उसे टीवी पे वही न्यूज दिखाई दे रही थी, साथ ही में वो एक फोन भी मांगता है सिर्फ एक फोन कॉल करने के लिए। हम बाकी सारे कैदियों को देखते हैं जिनका इस समय खाने का टाइम था और इसी समय यहाँ पे ब्लास्ट होता है जिससे कि बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है और हर एक कैदी यहाँ से भागने लगता है। निखिल इस समय जेल के अंदर कॉल भी करता है लेकिन इतनी ज्यादा भगदड़ मची हुई थी कि जेल के अंदर उसका कोई कॉल अटेंड ही नहीं करता। अब तक किलर धनंजय को मारने के लिए काफी सारे लोगों से बचता हुआ धनंजय के पास पहुंच चुका था लेकिन धनंजय पहले ही अलर्ट था और आखिर था भी तो धनंजय फॉरेंसिक डॉक्टर। वो उसी किलर को पकड़ लेता है और खुद को मारने नहीं देता। दूसरी तरफ हम केसर को देखते हैं जो कि शशांक के सामने बैठा था। शशांक उसे पूछता है कि बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और बाकी के तीन लोगों को तुमने कहां पे पकड़ के रखा है, लेकिन केसर इन सब बातों का कोई जवाब नहीं देता। साथ ही में वो कहता है कि शशांक आपका फोन दीजिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा गेम बताता हूं जिसे देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो शशांक के फोन के अंदर कैमरा ऑन कर देता है और बताता है कि ये देखो यहां पे तुम्हें सब लोग एकदम अपनी आंखों के सामने दिखाई देंगे। अब तक तो मैंने सिर्फ 10 मिनट की क्लिप ऑनलाइन अपलोड करी थी लेकिन कैसा हो कि जब ये सारी की सारी क्लिप लोगों के सामने आए, ये सारे पॉलिटिकल मेंबर एक दूसरे को काट दे मार दे और जब यही चीजें लोग देखेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। शशांक को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर ये आदमी उसके सामने घूम रहा था और उसे आखिर पता कैसे नहीं चला। सेम टाइम पे सीन धनंजय पे भी शिफ्ट होता है जो कि इस किलर से पूछता है कि आखिर तो शुभ ही है ना, तो कहता है कि नहीं मैं शुभ नहीं हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि हम सब शुभ है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम सबके अंदर शुभ है। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तभी मैं पागल हो गया था, जैसे कि तुम अंधकार के अंदर हो वैसे मैं भी अंधकार के अंदर था, लेकिन उन्होंने मेरी लाइफ को एक मोटिव दिया जिसके बाद मुझे सोचने और समझने की शक्ति मिली और उसके बाद हमें समझ में आया कि हमें आखिर करना क्या है। हम सब लोग मिलके जब मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे तो उसके अंदर जब तुम्हारी वाइफ का नाम आया था तो हम सोच रहे थे कि उसे आसान मौत दे, लेकिन बाद में सोचा गया कि आखिर वो तुम्हारी वाइफ है तो उसे दर्दनाक मौत तो जरूर देनी पड़ेगी। जब उसके सर के ऊपर वार किया गया था तब तक भी वो जिंदा थी, लेकिन जब उसे ओवन के अंदर डाला गया तो वो धनंजय चिल्लाने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे शायद तुमने मारा है। धनंजय को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसी के कारण वो इस किलर के ऊपर एक जोर से चाकू से अटैक करता है। अब तक यहाँ पे बाकी पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे और साथ ही में धनंजय को कंट्रोल रूम में भी बुलाया जाता है। अब तक धनंजय शशांक के सामने पहुंच चुका था जहाँ उसके सामने केसर भी था। केसर से बातचीत करने के लिए वो अंदर जाता है लेकिन अपने साथ में एक बॉक्स को भी लेके जाता है। उस बॉक्स के अंदर एक नार्कोटिक्स का इंजेक्शन था। शशांक मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते परमिशन के बिना, तो धनंजय कहता है कि अब बहुत हुआ, अब आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। धनंजय अपने साथ में नार्कोटिक्स का बॉक्स ले जाता है और उसके बाद में वो नुसरत को भी अंदर बुलाता है और उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। नुसरत कहती है कि अगर इसे पूरा इंजेक्शन दे दिया गया तो ये मर जाएगा, तो धनंजय कहता है कि जिंदा रह के भी इसने कोई महान काम नहीं किया है। लेकिन जैसे ही केसर को वो नार्कोटिक्स का इंजेक्शन लगता है तब मानो कि उसके अंदर और ज्यादा पावर्स आ जाती है। अब वो धनंजय की हर एक चीज का आंसर देने लगता है। इसी के साथ सीनिया दुबे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि रसूल के साथ में उस जगह पे पहुंचा था जहां पे इन्हें कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे। अंदर जाने के बाद में दुबे को भी वही किस्सा दिखा जिसके अंदर निखिल बंद था, वो इतने बड़े सेटअप को देख के घबरा गया था। रसूल यहाँ पे कहता है कि मैं इन सारी चीजों को हैक कर सकता हूँ और साथ ही मैं पता लगा सकता हूँ कि वो लोग कहाँ पर है। रसूल जैसे ही अपने बैग को खोलता है तभी उसके अंदर से एक डायरी गिर जाती है और दुबे उसी डायरी को उठा के खोल देता है जिसके अंदर गाइस सेम टू सेम वही सारे कैरेक्टर्स, वही सारे मॉन्स्टर और वही सारी ड्रॉइंग्स थी जो कि उसने शुभ की कॉपी के अंदर देखी थी। और अब यहाँ पे सारा माजरा क्लियर हो जाता है कि शुभ और कोई नहीं बल्कि रसूल ही था जो कि झूठ मूठ का नाम लेके आज तक इसी सीबीआई की फोर्स के अंदर काम कर रहा था, इन्हीं के बीच में रह के इन्हीं सबको मार रहा था। दुबे को लगता है कि शुभ को पता ना चले उससे पहले वो गन उठा ले, लेकिन अब तक शुभ के हाथ में भी एक बहुत बड़ा डंडा था जिससे कि वो दुबे के ऊपर अटैक करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम उस कैबिनेट को देखते हैं जिसके अंदर ये तीनों लोग ऑलमोस्ट मरने वाले थे क्योंकि इनके पास में बहुत कम ऑक्सीजन बचा था। ये दोनों लोग मिलके इस लड़की को मारने वाले थे लेकिन तभी इसमें से चश्मे वाला आदमी मना करता है कि नहीं हम उसे नहीं मार सकते हैं, जो भी होगा अब हम तीनों मिलके यहीं पे देखा करेंगे। ये सारी चीज एकदम लाइव हर एक इंसान देख रहा था। इसी समय निखिल जिस दुकान पे खड़ा था वहाँ से फोन लेता है और सीधा नुसरत को कॉल करता है। वो नुसरत को बताता है कि वो आखिर किस जगह पर है और जो तीन लोग बंद है असल के अंदर वो एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर बंद है। नुसरत निखिल से पूछती है कि तुम आखिर कहाँ पर हो, ठीक हो या नहीं हो। निखिल कहता है कि इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले केमिकल फैक्ट्री को ढूंढो। अब धनंजय ने भी ये बात सुन ली थी और वो केसर से पूछता है कि आखिर केमिकल की कौन सी फैक्ट्री है। तब केसर बताता है कि शहर के अंदर 127 केमिकल की फैक्ट्री है, जाओ और जाके खुद ढूंढ लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर ये तीनों कहाँ पर बंद है। जिसके बाद हम दुबे को देखते हैं जिसे अब होश आया था लेकिन शुभ उसे पूरी तरीके से बांध के बैठा चुका था और वो दुबे को बताने लगता है कि आखिर वो कैसे लोगों को पहचान जाता है, कि कौन लोग उसका अच्छा कर सकते हैं और कौन लोग उसका बुरा कर सकते हैं। जैसे ही दुबे ने शुभ के ऊपर पहले ही शक किया था तभी शुभ समझ गया था कि आज नहीं तो कल दुबे जरूर पकड़ा जाएगा या फिर दुबे को वो जरूर मार देगा। और अब केसर अपने बारे में कुछ बताता इससे पहले वो धनंजय को कहता है कि पहले तुम्हें बताना होगा कि आखिर तुमने क्या गलत काम किया था, लोगों को मेरे बारे में पता चलने से पहले तुम्हारे बारे में पता चलना चाहिए। तब धनंजय बताता है कि हाँ आज से 10 साल पहले एक केस था जिसमें एक शुभ नाम का लड़का था, उसने वाराणसी के अंदर खुद के बाप को जहर देके मार दिया था जिसके मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। आखिर मैंने इसमें क्या गलत किया, उस लड़के ने अपने बाप को मार दिया, क्या मेरा उस लड़के को सजा देना सही बात नहीं थी। तब केसर कहता है कि सिर्फ इतना ही हुआ
चौथा आगे का कौन बताएगा। तब धनंजय कहता है कि हाँ ठीक है, उसके बाद में मैंने गलत पेपर्स बनवाए थे, उसके नाबालिग होने के बजाय उसके अडल्ट के पेपर्स बनवाए ताकि उसे अच्छे से सजा मिल सके। जिसके बाद में केसर कहता है कि तुम उस लड़के को वापस से मौका दे सकते थे। बाल गृह में जाने वाला लड़का सीधा एक अडल्ट के जेल में गया, उसने क्या क्या सुना और समझा होगा, तुमने एक बार उसे मौका तक भी नहीं दिया। और अब अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो उससे पहले तुम्हें खुद को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। जिसके बाद में केसर धनंजय को एक बॉक्स निकालने के लिए कहता है उसके बैग से, जिसके अंदर 3 टैबलेट्स पड़ी थी। ऑब्वियस सी बात है कि इस तीनों टैबलेट के अंदर कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि किसी की भी जान ले सकते हैं। जैसे धनंजय एक एक टैबलेट खाता जाएगा वैसे वैसे धनंजय को आगे के जवाब मिलते जाएंगे। नुसरत मना करती है ऐसा करने के लिए, तो धनंजय उसे कमरे से बाहर भेज के दरवाजा बंद कर देता है। और अब ये बात थी सिर्फ और सिर्फ धनंजय और केसर के बीच में। धनंजय एक गोली लेता है जिसके बाद में उसे कई ज्यादा नशा आने लगता है। और उसके बाद में वो पूछता है कि कौन सी केमिकल फैक्ट्री, केसर केमिकल फैक्ट्री का नाम बताता है। इसी के कारण धनंजय सबसे पहला कॉल निखिल को लगाता है। साथ ही में शशांक भी अपनी टीम को भेजता है उस एरिया के अंदर जाने के लिए, उसी फैक्ट्री को ढूंढने के लिए। यहाँ ये सारी चीजें बैठ के शुभ भी आराम से देख रहा था। एक तरफ निखिल उस फैक्ट्री को ढूंढने के लिए भागता है, वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दुबे के पास एक फोन कॉल आता है। ये फोन कॉल और किसी का नहीं बल्कि उसकी फैमिली से आया था। शुभ कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली से बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा भगवान निर्दयी हो सकता है लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता। भगवान तुम्हें कष्ट देता है लेकिन मैं तो तुम लोगों को सिर्फ मोक्ष दिलाता हूँ। अगर तुमने अपनी फैमिली से किसी भी तरीके की कोई गलत बात करी तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे उन तक पहुँचने में। बेचारा दुबे रोते रोते अपनी वाइफ से बात करता है और हम लोगों को पता चलता है कि दुबे की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसने जस्ट अभी अभी एक लड़के को जन्म दिया है। वो दुबे से पूछती है कि आखिर तुम कब तक आओगे। दुबे रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना था, मुझे मेरे बेटे के साथ रहना था। बेचारी वो लड़की रोने लग जाती है बहुत जोर से कि आखिर दुबे कहाँ पर है। ये इस पूरी सीरीज का गाइस सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। दुबे कहता है कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसे बताना जरूर कि मैं कौन था। जिसके बाद शुभ दुबे का फोन काट देता है और दुबे को इसी सिचुएशन के अंदर छोड़ देता है। दूसरी तरफ अब धनंजय को शुभ के बारे में और ज्यादा चीजें पता करनी थी, इसी के कारण वो केसर से आगे की चीजें पूछता है। लेकिन केसर उससे पहले धनंजय को एक और पिल खाने के लिए कहता है। धनंजय को भी पता था कि इसके अंदर बहुत भयानक केमिकल है जो कि बीपी को 160 तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद लीवर कमजोर पड़ने लगेंगे, सर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और भी कई सारी चीजें हो सकती है। धनंजय को इन सारी बातों के बारे में पता था लेकिन फिर भी वो सेकंड डोज खा लेता है। और उसके बाद केसर उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर उस फ्लोर के बारे में बताता है जहाँ पे उन तीनों को रखा गया है। अब तक निखिल को उस फ्लोर के बारे में भी पता चल जाता है और सीधा वो उस चैम्बर के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर ये तीनों लोग बंद थे। निखिल इस चैम्बर को खोलने की बहुत कोशिश करता है, वो डंडा लेके आता है और ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ग्लास टूटता ही नहीं है। अंदर जो तीनों लोग थे वो तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे की जान लेने लगते हैं कि ऑक्सीजन के कारण ये आखिर जिंदा तो रहे, ना ही निखिल उसको तोड़ पाता है। इतनी ही देर में यहाँ नैना भी पहुंच चुकी थी पुलिस टीम के साथ में, जो कि निखिल के आके सीधा गले लग जाती है और उसे ठीक देख के बहुत खुश थी। अब नैना भी एक साइबर सिक्योरिटी वाली थी, इसी के कारण वो इसके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए उसे आईपैड से जोड़ देती है। लेकिन ये चीजें यहाँ पे शुभ भी देख रहा था। अब तक नैना ने 2 से 3 नंबर को क्रैक कर लिया था। इसी समय पे शुभ नैना को कॉल करता है और कहता है कि निखिल से मेरी बात कराओ। वो निखिल से बात करता है और थोड़ा बहुत टाइम पास करता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि अब दूसरी तरफ धनंजय की हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसे तीसरा पिल्स लेने के लिए केसर मजबूर कर रहा था। शशांक धनंजय को कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जाएगी। इधर निखिल शुभ का कॉल उठा चुका था और बोलता है कि इन लोगों की आखिर क्या गलती है, इन लोगों को आखिर छोड़ दो। एक तरफ शुभ के निखिल से बात चल रही थी कि अगर नैना ने आखिरी पासवर्ड को क्रैक कर दिया तो इसी समय तुम्हारे साथ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तुम्हारी बेटी रिया जिसके मैं बहुत ज्यादा आसपास हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उसके साथ में क्या क्या हो सकता है। जब ये बात निखिल को पता चलती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। शुभ बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो तुम इन 3 लोगों को चूज कर सकते हो या फिर अपनी बेटी को चूज कर सकते हो। निखिल कहता है कि वो मेरी बेटी है, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो। शुभ कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। सेम टाइम पे हम धनंजय को देखते हैं जिसकी भी हालत कई ज्यादा हद तक खराब हो चुकी थी और वो केसर को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चीज से जीत सकते हो, तुम्हारे आधे मेंबर्स को हम लोग पकड़ चुके हैं और साथ ही में अब तक निखिल भी बाहर आ चुका है जो कि उन तीनों लोगों को बाहर निकाल लेगा और तुम्हारा सफर सिर्फ यहीं तक था। तुम क्या चाहते थे कि 3 गोलियों के बाद में तुम मुझे सब कुछ बता दोगे और मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, तुम यहाँ पे हार चुके हो। और ये लो मैंने तीसरी पिल भी खा ली। जिसके बाद में धनंजय उस तीसरी पिल्स को भी खा लेता है और उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो जाती है। निखिल ने भी शुभ को ये कह दिया था कि वो अपनी बेटी के बजाय इन 3 लोगों को चूज करेगा। इसी के कारण शुभ उस दरवाजे को खोल देता है जहाँ से वो 3 लोग तो आजाद हो जाते हैं लेकिन उसने अपनी बेटी रिया को इस चीज के पीछे कुर्बान कर दिया था। ये बात अब नैना को भी पता चल जाती है और वो निखिल से पूछती है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है, मेरी बेटी कहाँ पर है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। और हम लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि रिया के साथ में जो मेड थी वो भी शुभ की टीम की ही एक मेंबर थी जिसने रिया को यानी कि इनकी बेटी को जहर दे दिया था और रिया वहीं पे मर गई थी। इसी समय धनंजय की हालत खराब हो चुकी थी और तीसरी पिल्स लेने के बाद में अब तक ऑलमोस्ट यहाँ पे एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा चुका था। दुबे को अपनी आंखों से दिख रहा था कि कैसे शुभ यहाँ पे हार रहा है, बहुत जल्द शुभ भी पकड़ा जाएगा। तो वो कहता है कि तू पहले भी चूतिया था और तू आज भी चूतिया ही है। इसी के कारण शुभ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो दुबे को वहीं पे शूट कर देता है। ये सीन भी
गाइज इस सीरीज का सबसे खतरनाक सीन था, क्योंकि दुबे इस पूरी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसने बहुत ज्यादा साथ निभाया था और शुभ ने उसे भी मार दिया था। हमें पता चलता है कि निखिल जो लड़ाई लड़ रहा था उन तीनों को जिंदा रखने के पीछे, लेकिन शुभ इस चीज की साइकोलॉजी समझ गया था कि लोग एक दूसरे को मार के ही रहेंगे। ये लड़की, इसे पता था कि ये आदमी इसे सिर्फ सांस लेने के चक्कर में मार डालता, इसी के कारण जैसे उसे गन मिलती है तो वो इस आदमी को भी शूट कर देती है। निखिल को पता चलता है कि आखिर उसने इन लोगों को छुड़वाया है क्यों, इसके पीछे इनकी बेटी मर गई। नैना और निखिल अब तक घर पहुंचते हैं, तब तक रिया जिंदा नहीं बचती है, वो भी खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम नुसरत को देखते हैं जो कि दुबे के घर पे पहुंची थी। दुबे के घर पे यहाँ उसकी वाइफ बहुत रो रही थी क्योंकि उसका बेटा जस्ट अभी एक दिन पहले पैदा हुआ था और दुबे भी जिंदा नहीं बचा। सेम टाइम पे ऑफिसर ने ये भी बता दिया था कि शुभ को पकड़ लिया गया है। असल के अंदर शुभ को अभी तक पकड़ा नहीं गया था, लेकिन लोगों के अंदर से डर हटाने के लिए सिर्फ ये बता दिया गया कि शुभ को पकड़ लिया गया है, जबकि असल में ये केसर था। अब निखिल अपनी लाइफ को पहले के जैसे ठीक नहीं कर सकता था। नैना अपनी बेटी को खो चुकी थी, इसी के कारण वो बैग लेके निखिल को वहीं अकेला छोड़ के चली जाती है। धनंजय भी अपनी इतनी बड़ी रेस को हार चुका था, वो भी एकदम अकेला हो गया था। सीन एक हफ्ते बाद का शिफ्ट होता है जब निखिल अपना सामान को पैक कर रहा था। इसी समय धनंजय आता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना था लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। उस समय मैं खुद इतना ज्यादा पजल्ड था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं आखिर तुमसे बात क्या करूं। निखिल पहले तो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसे धनंजय पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके ऊपर बुक फेंक के मारता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। ना तो तुम कभी वाराणसी में जाते, ना ही तुम कभी शुभ के ऊपर केस करते और ना ही ये आज सब कुछ इतना ज्यादा होता। इसके पीछे मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ। हालांकि धनंजय ने भी अपनी वाइफ को खोया था, लेकिन निखिल का ये दर्द था कि उसने और भी 9 लोगों को खोया है और अब ये कहानी चलती ही जाएगी, यानी कि शुभ कभी रुकेगा ही नहीं। इतनी ही देर के अंदर मारापीटी होने लग जाती है, जिसके बाद शुभ, जिसे अब तक सब लोग रसूल समझ रहे थे, वो आके इन दोनों को अलग अलग करता है। दूसरा तो शुभ एक साथ में लेके निखिल को यहाँ से जाने लगते हैं और लास्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि शुभ आखिर के अंदर धनंजय को एक लुक देके जाता है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार वेब सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को सीजन फर्स्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आप सभी लोगों से सीजन 2 के अंदर। तब तक के लिए टाटा।